आज हमारे पास आई है MMA की 250 एम्पेयर वेल्डिंग मशीन, जो कि अभी बंद कंडीशन में है। एंड मैंने उसको यहाँ पर चेक किया। चेक करने के बाद दोस्तों जो इसके चारों IGBT यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहे हैं। एंड यही नहीं दोस्तों, इसके साथ यहाँ पर जो इसका PCB है वो भी यहाँ पर जला हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कालापन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो जो इसका PCB यहाँ पर जला हुआ है, अब इसका IGBT क्यों शॉर्ट हुआ, कैसे उसकी रिपेयर करना है पूरा सिखाऊंगा, कितना वोल्ट यहाँ पर आता है हमारे IGBT में पूरा बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम इसके आज वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको IGBT दिखाई देता हूँ मेजर करके। तो ये यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, आपको बजर की आवाज़ सुनाई दे रही है यहाँ पर। देन ये हमारा पहला IGBT था, देन ये हमारा सेकंड IGBT, ये भी यहाँ पर फुल शॉर्ट है। देन थर्ड IGBT, ये भी यहाँ पर फुल शॉर्ट है। देन हमारा फोर्थ IGBT, ये भी यहाँ पर फुल शॉर्ट है। तो आपको कैसा चेंज करना है, कौन कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट चेंज करना पड़ता है इसके साथ, और यहाँ पर कितना वोल्टेज आता है इसकी गेट की पिन में, पूरा आपको बताने वाला हूँ आगे पे। तो ये हमारा डायोड है, तो हम इसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रीडिंग्स हो रही है 353, तो इसका मतलब हमारा डायोड यहाँ पर ओके है। देन हम सेकंड डायोड यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी 353 यहाँ पर रीडिंग जो हो रही है, तो यार डायोड हमारा ओके है। तो इसका मतलब दोस्तों जो हमारा डायोड यहाँ पर ओके है, जो हमारा IGBT चारों यहाँ पर शॉर्ट है। तो मैंने PCB को बाहर निकाल दिया हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर यहाँ पर दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर जला हुआ था, मैं आपको पूरा बता दिया हूँ यहाँ पर। एंड इसको कैसे पूरा रिपेयर करना है पूरा बताऊंगा, पूरा सिखाऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप। वो कितना जो मेन चीज़ रहती है यहाँ पर, कितना वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए हमारे IGBT की गेट की पिन में, और उसको कैसे मेजर कर सकते हो और कहाँ से वाला वोल्टेज आता है, वो पूरा आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो का अंत तक देखते रहना। तो अभी आप देख पा रहे हो जो होल यहाँ पर हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पर पहले साफ करूंगा, बट उससे पहले मैं इसके पूरे हीट सिंक यहाँ से निकाल दूंगा। ये इसके IGBT आप देख पा रहे होंगे, जिसकी वैल्यू है मैं आपको दिखाता हूँ, 14T60 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो 40T60K। तो यहाँ पर टी सीरीज का यहाँ पर लगा है, किसी में 14N60 यहाँ पर लगा हुआ रहता है, किसी में T60, किसी में 40N120, किसी में 40T120, किसी में अलग अलग वैल्यू के यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। तो ये एम्पियर वोल्टेज यहाँ पर शो करता है। तो ये जो वैल्यू के यहाँ पर निकला है, तो हम वही वैल्यू के यहाँ पर डालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो इसका PCB यहाँ पर जला हुआ है, वो क्यों जला है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है दोस्तों जो इसका हीट सिंक है, वो जो हमारी IGBT की जो हमारी ट्रेक है उसके साथ यहाँ पर टच हुआ होगा या यहाँ पर स्पार्क हुआ है, तब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा PCB जला है, और तभी दोस्तों जो हमारा IGBT यहाँ पर खराब हुआ है। बट दोस्तों अगर आपका IGBT बिना जले भी यहाँ पर खराब होता है, तो भी आपको LED देखना पड़ेगा, IGBT चेंज करते वक्त आपको क्या क्या कंपोनेंट का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अभी हीट सिंक को निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कैसा यहाँ पर जल चुका है यहाँ पर PCB पूरा। एंड हम सबसे पहले इसको यहाँ पर साफ कर देंगे। साफ करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले IGBT को निकाल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने चारों IGBT को सर्किट से बाहर निकाल दिया हूँ। बाहर निकालने के बाद मेरी यहाँ पर शॉर्टिंग हट चुकी है। आप लोग सबसे पहले चेक कर लेना कि आपकी शॉर्टिंग यहाँ पर हटी कि नहीं हटी। अगर आपकी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं हटी, तो आप लोग समझ आना दोस्तों जो आपका डायोड है यहाँ पर रेक्टिफायर, वो यहाँ पर शॉर्ट होगा, या तो जो आपका कंडेंसर वो यहाँ पर शॉर्ट होगा। एंड ये हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर आप देख पा रहे हो, इसमें E1925 लिखा हुआ है। एंड ये जो हमारा देख पा रहे हो सर्किट यहाँ पर रेजिस्टेंस PF डायोड का, ये आप देख पा रहे होंगे ये हमारा गेट पिन में जो वोल्टेज जाता है, वो ड्राइवर ट्रांसफार्मर के होते हुए रेजिस्टेंस से होते हुए हमारे IGBT की पहली पिन पर जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पर जो हमारे गेट का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, वो यहाँ पर ओके है या नहीं है। हमारे ड्राइवर ट्रांसफार्मर आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको दो ट्रैक देखने को मिलती है, ये वाली और ये वाली। ये दोनों ट्रैक दोस्तों इसके थ्रू हमारा जो पल्स जाती है हमारी गेट की पिन में। तो ये जो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर डॉट आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा IGBT की तीसरी पिन यानी ग्राउंड पे हमारा लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे ये दोस्तों हमारा ये वाला पिन जो आप देख पा रहे थे अभी, मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर, ये हमारा तीसरे नंबर पर गया है जो कि हमारा ग्राउंड कहलाता है यानी ड्रेन। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फिर से, ये हमारा दोनों ग्राउंड है दोस्तों, जो हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर की कोई भी एक ट्रैक में जाता है ना, इस पर जाता है। तो ये हमारी दूसरी ट्रैक है जो कि यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, जेनर डायोड। एंड ये नहीं दोस्तों, इसकी जो ट्रैक है नीचे पर जाती है, जहाँ पर लगा है 20R020 ओम का यहाँ पर असेंबली रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एंड इसकी जो आप नीचे देख पा रहे हो इसकी ट्रैक यहाँ पर कहाँ पर गई है, एक 5R0, दोनों में 5-5 ओम के आपको दो रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे अलग अलग में, लेफ्ट में और राइट में। तो दोस्तों ये दोनों जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो दोनों की जो ट्रैक है वो नीचे पे गई है हमारी गेट पे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको डॉट नजर आ रहा हूँ SMD के आगे, उसको मैं पलटाता हूँ यहाँ पर। तो दोनों डॉट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दोनों रेजिस्टेंस के जहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो दोनों के यहाँ पर डॉट है और ये हमारी गई गेट वाली पिन पे दोनों में। तो दोस्तों अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर ओके है या नहीं है। मैं आपको पूरा एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर 20 ओम और 5 ओम, यानी टोटल यहाँ पर कितना हुआ 25 ओम। तो आपको पहली पिन में रखना है और तीसरी पिन में आपको रखना है। अगर यहाँ पर टोटल 25 ओम रीडिंग्स होती है, तो आपको यहाँ पर
रेजिस्टेंस की जो वैल्यू यहाँ पर ओके है, यानी आपको जो पल्स वाला है यहाँ पर ओके है। अगर यहाँ पर शो नहीं होती तो आप लोग समझ जाना होता है, यहाँ पर हमको सेम टू सेम वैसे ही देखने को मिलता है अपोजिट सेक्शन में भी, यानी जो हमारा दो सेक्शन रहते हैं हमारे आईजीबीटी के दो हिटसिंग रहते हैं, तो यहाँ पर हमको सेम टू सेम वैसे ही देखने को मिलता है, सेम रेजिस्टेंस सेम वैल्यू हमको सेम टू सेम यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसा हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, यहाँ पर जो हमारा तीसरा ग्राउंड था यहाँ पर भी हमारा तीसरा ग्राउंड है, आप देख पा रहे ये नीचे से उल्टा पलट जाती है, इसलिए आपको लग रहा है कि इस साइड पर आ गया हमारा ग्राउंड। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉप को रखा हूँ, देन यहाँ पर मैंने एक प्रॉप को रखा हूँ और ये 20R0 लिखा है यहाँ पर ना 20 ओम, तो हमें मल्टीमीटर में यहाँ पर 20 ओम यहाँ पर शो हो रहा है। आप चाहते हो उसको बजर मोड से हटा के 200 ओम में भी सेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जितनी वैल्यू वो यहाँ पर 20 ओम के बिलो है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रख के फिर से, यहाँ पर 20 यहाँ पर शो हो रहा है 20.3, यानी 20 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है हमारा, देन ये वाला हमारा 5 ओम का है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है 5R0, यहाँ पर लिखा है 5R0, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5.4 यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर ओके है। देन मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5.4 यहाँ पर लिखा चुका है, तो ये वाला रेजिस्टेंस हमारा ओके है। देन मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पर रख के मैं आपको बताया था पहली और तीसरी टैग में रखूँगा, तो यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर 25 ओम यहाँ पर शो होंगी। तो आपको पहली और तीसरी पिन में यहाँ पर प्रॉप को रखना पड़ेगा ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा 25 ओम, तो 25 ओम कैसा है मैं आपको बता चुका हूँ, एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों की वैल्यू मिला के यहाँ पर 25 ओम बनता है। तो ये सेम वैल्यू आपको चारों जो आईजीबीटी की ट्रैक है उसमें आपको देखना पड़ेगा पहली और तीसरी में प्रॉप को लगा के। तो हमारे यहाँ पर ओके, मैंने यहाँ पर सबको चेक कर चुका हूँ, मैं आपको फिर भी एक बार दिखा दूंगा। बट दोस्तों किसी किसी में क्या होता है, यहाँ पर 20 ओम देखा यहाँ पर 10 ओम को देखने को मिल जाता है, या किसी में 25 ओम देखने को मिलता है, किसी में 30 ओम देखने को मिल जाता है, तो डिफरेंट पीसी आपको डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा अपोजिट सेक्शन में जो हमारा लगा था आईजीबीटी, यहाँ पर हमको सेम वैल्यू देखने को मिल जाती है 25.4। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ पर मैंने रखा 25.5 यहाँ पर शो हो रही है ओके आने, यानी हमारे चारों आईजीबीटी की जो हमारी ट्रैक है यहाँ पर सभी में 25.5 यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है। तो इसका मतलब हुआ हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पर नहीं जला, हमारा जो पीएफ है यहाँ पर ओके है, वो इसलिए दोस्तों जो हमारा डायोड है हीटसिंग वाला, वो हीटसिंग के थ्रू दोस्तों यहाँ पर शॉर्टिंग हुआ हमारा आईजीबीटी में। अगर हमारा आईजीबीटी यहाँ पर खुद शॉर्ट होता तो क्या होता, जो हमारी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर जल जाती। तो इतना हम लोगों को मालूम चल चुका है। तो अभी हम इसको यहाँ पर चालू करेंगे, चालू करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर पल्स देखने वाले कि यहाँ पर हमारा कितना वोल्टेज आता है। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि इसमें कितना वोल्ट आना चाहिए और बराबर वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं बिना वोल्टेज चेक करें यहाँ पर आईजीबीटी लगा देते हैं और जैसे उसको चालू करते हैं तो तुरंत आपका आईजीबीटी यहाँ पर खराब हो जाता है, वो फट जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गेट की पल्स को चेक करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ 20 वोल्ट DC पे, एंड मैं यहाँ पर एक प्रॉब रखूँगा एंड यहाँ पर एक प्रॉब रखूँगा। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, 0.03, 0.012 यहाँ पर लिखा आ रहा है। देन इसको पलटाऊंगा तो यहाँ पर 0.27 यहाँ पर आ रहा है माइनस में। अगर आपको फिर भी करेक्ट यहाँ पर देखना है तो आप कैसे मेजर कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल ट्रिक। आपको उसको रखना पड़ेगा AC में, अभी ये DC में यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ पर वैल्यू सेम दिखा रही होंगी। तो अभी आप जो देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमारा एक साइड पे 0.03 यहाँ पर दिखाता है, एक पे 0.2 दिखाता है, वो दोस्तों इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ पर वेल्डिंग मशीन रिपेयर करते हो तो जिसकी प्रॉब रखते हो जब आप पहली और तीसरी पिन में, तो उसमें जो रीडिंग शो होती है, देन उसका जब पलटाऊंगे तो यहाँ पर डिफरेंट रीडिंग यहाँ पर शो होती है। तो आपको सभी को ऐसा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 200 वोल्ट AC पर सेट कर दिया हूँ, देन अब मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ दोनों प्रॉब को पहली और तीसरी पिन पे, यहाँ पर कितना शो हो रहा है 3.5, 4.5.2, ये हमारे स्टेबल नहीं है। बट जब मैं प्रॉब को पलटाऊंगा तो आप यहाँ पर वोल्टेज देखना, यहाँ पर कितना वोल्ट शो हो रहा है 6.5 या 6.6, ये हमारा ओके स्टेबल वोल्टेज, आपको यही वोल्टेज यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर 4.3, 4.5, देन इसको प्रॉब को पलटाऊंगा, ठीक है ना। अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने रेड वाली प्रॉब लेफ्ट साइड में, ब्लैक वाली इस साइड में, अब मैं इसको पलटा दूंगा यहाँ से। अब ये पलटाने में यहाँ पर वोल्टेज शो होगा नीचे वाले सेक्शन में, बिकॉज हमारा आईजीबीटी यहाँ पर पलट जाता है नीचे वाले सेक्शन में, ठीक है ना। अभी इस साइड में हमारा उल्टा शो होगा, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो 6.5, देन प्रॉप पलटाने में 6.5.0, सॉरी, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आपको कैसे चेक करना है। यहाँ पर आपको AC में रख के आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी 6.5 यानी 6.8 यहाँ पर रीडिंग से होना चाहिए, बट चारों सेक्शन के यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो ये हमारा IGBT जिसको मैं लगाने वाला हूँ 40T60,
एंड यानी दोस्तों जो हमारा पुराना वाला IGBT था वो भी यहाँ पर टी सीरीज का था और 40 T60 था, तो हम यहाँ पर सेम टू सेम वैल्यू लगाने वाले, बट कई में क्या होता है यहाँ पर 40 N60 देखने को मिल जाता है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे एन सीरीज का, तो यहाँ पर एन सीरीज और टी सीरीज यहाँ पर दोनों हमको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 60 N60 यानी एन सीरीज में 60 60 की वैल्यू है, यानी दोस्तों आपको यहाँ पर 16 T60 देखने को मिल जाता है ना एन सीरीज भी और टी सीरीज में। आप इसके बदले एक नंबर लगा सकते हो बट क्या होगा ज़्यादा उसकी लंबी लाइफ नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे कि 41 08 आपको देखने को मिल जाती है एंड कहीं में आपको ये वाली वैल्यू देखने को मिल जाती है 40 N120, तो ये 120 एम्पियर का है यानी बहुत हेवी वाला IGBT है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे यहाँ पर कहीं में FGA 6540 आपको देखने को मिल जाता है, ये भी हमारा IGBT है, कई वेल्डिंग मशीन में अला भी IGBT लगा हुआ रहता है, तो ये पूरे ओरिजिनल वाले हैं। तो आपको इसी का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप मार्केट से परचेज करते हो तो वो ओरिजिनल होना चाहिए, अगर वो ओरिजिनल नहीं होगा तो आपका IGBT तुरंत 2 मिनट के अंदर यहाँ पर फट जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा PCB जला हुआ था इसको मैंने यहाँ पर साफ कर दिया हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपका कालापन था उसको मैंने यहाँ से पूरा निकाल दिया हूँ ताकि जो हमारा PCB है वो दोबारा यहाँ पर शॉर्ट नहीं होगा। एंड ये ना दोस्तों जो उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है आप देख पा रहे हो वो यहाँ पर पूरे ओके आने यहाँ पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, तो हमको उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा एंड यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं थी। तो अब हम क्या करने वाले दोस्तों यहाँ पर हम चारों IGBT को यहाँ पर लगा देंगे, लगाने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ। एंड ये नहीं दोस्तों अब मैं इसके यहाँ पर चालू करके देखने वाला हूँ कि हमारा जो वोल्टेज यहाँ पर बनता है कि नहीं बनता। एंड अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 40 T60 मैंने यहाँ पर चारों IGBT को यहाँ पर डाल दिया हूँ, तो मैंने मशीन को चालू कर दिया हूँ। चालू करने के बाद दोस्तों अभी जो हमारा सर्किट है यहाँ पर ओके यानी यहाँ पर अभी तक हमारा IGBT नहीं फटा। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों आप यहाँ पर चारों IGBT एक साथ लगाना, अगर आप यहाँ पर एक IGBT लगाओगे तो क्या होगा तुरंत आपका IGBT यहाँ पर फट जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 IGBT की यहाँ पर एक सीरीज रहती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप यहाँ पर एक IGBT लगा के इसको चालू नहीं कर सकते। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरा वोल्टेज यहाँ पर कितना आ रहा है, तो एक नेगेटिव वाला हमारा ग्राउंड है एंड पॉजिटिव वाला जो हमारा हीटसिंग वाला जहाँ पर डायोड लगा हुआ था मैंने आपको बताया था डायोड का पॉजिटिव वाला, तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है 63 यहाँ पर वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब वो दोस्तों जो हमारा IGBT यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहा है एंड देन जो हमारा रॉड है वो भी यहाँ पर प्रॉपर गलाएंगी, प्रॉपर यहाँ पर आर्क आपको देखने को मिल जाएगा यानी 50 वोल्ट के यहाँ पर एबो आना चाहिए हमारा वोल्टेज, तो प्रॉपर यहाँ पर आ रहा है 63 वोल्ट। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे 63 64 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब वो जो हमारे चारों IGBT यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, अगर आपका एक भी IGBT यहाँ पर खराब होगा या उसमें पल्स नहीं जाएंगी, अगर आपका एक भी IGBT यहाँ पर खराब हुआ तो आपका क्या होगा चारों IGBT यहाँ पर खराब हो जाएंगे। एंड मैंने यहाँ पर PCB को फिट कर दिया हूँ वेल्डिंग मशीन की बॉडी में एंड यहाँ पर आप इसका होल को देख पा रहे हो, मैंने क्या किया जो उसका हीट सिंक का जो कॉर्नर था उसको मैंने कट कर दिया हूँ ग्राइंडर के थ्रू, ताकि जो है वो जो होल है यहाँ पर उसमें जो हीट सिंक का जो कॉर्नर है वो यहाँ पर टच नहीं होने वाला, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद दोस्तों मैंने इसके पूरे सॉकेट को यहाँ पर लगा दूंगा, लगाने के बाद दोस्तों मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ कि हमारा यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है और जो हमारा डिस्प्ले यहाँ पर चालू होता है कि नहीं होता। यहाँ पर मैं सबसे पहले सभी सॉकेट को लगा दूंगा, लगाने के बाद दोस्तों आप लोग को एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका फेस और अर्थिंग का जो होल्डर है आपका वो होल्डर दोस्तों उसका जो हीट सिंक रहता है पीछे पर जो एक हीट सिंक में कसता है और एक PCB में कसता है उसकी प्लेट, तो उसको आपको एकदम फुल टाइट यहाँ पर रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर लूज रहेगा तो क्या होगा वहां पर स्पार्किंग होगी एंड वहां पर जो आपका PCB यहाँ पर गल जाएगा, तो आप लोगों को एकदम फुल टाइट यहाँ पर कसना पड़ेगा एंड जो आपका सेंट है वो भी यहाँ पर कभी कभी खराब हो जाता है उस कारण। तो अभी मैं इसको यहाँ पर फुल टाइट कस दिया हूँ, कसने का दोस्तों अब मैं इसको यहाँ पर चालू करता हूँ, चालू करने के बाद दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि मशीन यहाँ पर चालू होती कि नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरा सीरीज में लोड लिया और पूरा 0 हो गया मेरा लोड, यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है एंड यहाँ पर जो हमारा लाइट चालू हो चुका है एंड यहाँ पर हमारा फैन घूमना भी चालू हो चुका है। तो यहाँ पर मैं नंबर लिखा आ चुका है आप देख पा रहे हो, कम ज्यादा उसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने मल्टीमीटर को लेके आ गया हूँ एंड इसको मैंने 200 वोल्ट DC पे सेट कर दिया हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रखता हूँ प्रॉप को एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 34 35 यहाँ पर शो हो रहा है, बट यहाँ पर एटलीस्ट 50 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। देन मैं प्रॉप को पलटाता हूँ तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज और कम हो जाता है, मैंने आपको बता चुका हूँ इससे पहले, इसमें प्रॉप पलटाने में दूसरी वैल्यू यहाँ पर शो होती है, सेम टू सेम वैल्यू शो नहीं होती। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ इसका एम्पीयर को यहाँ पर बढ़ा दूंगा, तो इसको मैं थोड़ा घुमा देता हूँ यहाँ पर, घुमाने का दोस्तों अब आप यहाँ पर देखना 51 यहाँ पर वोल्टेज शो हो रहा है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी आप यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, 53 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो अभी मैंने क्या किया उसको डायरेक्ट पीछे PCB में मैंने यहाँ पर टच कर दिया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, वो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर वोल्टेज कम दिखा रहा है, जो हमारा होल्डर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन है उसके अंदर एंड जो हमारी प्रॉप है मल्टीमीटर की उसकी जो नोक है वहाँ प्रॉपर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज यहाँ पर कम ज़्यादा हो रहा है। तो अभी हमारा वोल्टेज प्रॉपर आ चुका है एंड देन हमारी वेल्डिंग मशीन यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप कैसे वेल्डिंग मशीन को रिपेयर कर सकते हो, कैसे उसका IGBT यहाँ पर चेंज करना है, कैसे वोल्टेज को चेक करना है एंड कौन कौन से कंपोनेंट को चेंज करना पड़ेगा इसके साथ, मैंने आपको पूरा बता चुका हूं स्टेप बाय स्टेप। सो आई होप गाइस आपको अगली वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब मेरे चैनल ताकि मैं ऐसी और वीडियो लाता रहूंगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।